भले ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा हो, परंतु देश भर के 2,70,000 ग्रामीण डाक कर्मचारी आज भी सातवें वेतन आयोग लागू होने के 2.5 साल बाद भी इसके लाभ से महरूम है। इसी के विरोध में आज भिवानी के ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के 14वें दिन केंद्रीय संचार मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध जताया। अखिल भारतीय अतिरिक्त विभाग के डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले ग्रामीण डाक कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष बलजीत कुंगड़िया ने कहा कि ग्रामीण डाक कर्मचारी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव तक पहुंचाने तक का काम करते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार अल्प बचत योजनाएं, सुकन्या समृद्धि पेंशन योजना आदि शामिल है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सातवें वेतन आयोग से महरूम रखा गया है, जिसके विरोध में उन्होंने आज केंद्रीय संचार मंत्री का पुतला फूंका है। वे पिछले 2 सप्ताह से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में ताले लगे हुए हैं तथा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी केंद्र सरकार ग्रामीण डाक कर्मचारियों की मांग नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण डाक कर्मचारियों तक सातवें वेतन आयोग का लाभ पहुंचाने के कमलेश चंद्रा कमेटी गठित की गई थी, परंतु इसकी रिपोर्ट आए लंबा अरसा होने के बाद भी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा, जिसके चलते ग्रामीण डाक कर्मचारी सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं ले पा रहे। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि जब तक सातवां वेतन आयोग ग्रामीण डाक कर्मचारियों को नहीं दिया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हरियाणा राज्य प्रधान बलजीत कुंगड़िया, आज हम रोष पूर्वक संचार मंत्री का पुतला फूंका घंटाघर पर, और हम सारे देश में 1 तारीख छठे महीने की मैं दिल्ली गए थे, वहां पर देश भर के ग्रामीण डाक कर्मचारी इकट्ठे हुए थे, जिसमें भारी रोष है। 80% जनता की हम सेवा करते हैं। हमारी सातवें वेतन आयोग के संपर्क से एक कमेटी बनाई थी कमलेश चंद्रा, उसकी रिपोर्ट नवंबर 2016 में दे दी थी, लेकिन आज तक वह हमारी रिपोर्ट लागू नहीं करी है। इसलिए सारे देश से के ग्रामीण डाक कर्मचारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने रोष पूर्वक संचार मंत्री को ज्ञापन सौंपा कि हमारी जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट लागू करी जाए, नहीं आर पार की लड़ाई शुरू कर देंगे। आज हमारा 14वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। जब तक हमारी ये कमलेश चंद्रा रिपोर्ट लागू नहीं होगी, हमारी संघर्ष जारी रहेगा और आर पार की लड़ाई हमारी शुरू होगी है, और आगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे मंजूर की जाए। इस 80% जनता जो गांव में रहती है, उसमें तराई तराई मचा रखी है, लेकिन इस सरकार गुंगी बैरी सरकार को कोई पता नहीं। आज तक ग्रामीण डाक का जो काम प्रभावित हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? उसको लेकर हमें बहुत दुख है कि 80% जनता जो हम सेवा करते हैं, वो दर दर की ठोके खानी पड़ती है, क्योंकि 80% जनता जो गांव में रहती है वो हमारे पर निर्भर है, लेकिन हमारे 1,29,000 जो डाक घर हैं उन पर ताला लटका हुआ है, और 2,70,000 हमारे जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर हैं। और जब तक हमारी ये जायज मांग है जो कमेटी, जबकि सातवां वेतन सभी को मिल चुका है, लेकिन हमारे को 2.5 साल हो गए ये सरकार ने लागू नहीं करी है कमेटी। जब तक हमारी ये कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, हम आंदोलन पर रहेंगे।